हेलो गाइस, अपन चालू करने वाले हैं क्या क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ दो प्रकार के हैं, एक करंट लॉ, दूसरा होता है अपने पास वोल्टेज लॉ। तो आप सबके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी कि ये लॉ किस बेसिस पे बने और क्यों बनाए गए। ठीक है, अपन बताने वाले हैं कि करंट लॉ अपने पास किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले, और अपने पास वोल्टेज लॉ इस पे डिपेंड होता है, वो अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो अपन को ये स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है सर्किट की। ठीक है, कि कब अपन किसको लोड कंसीडर करें, कब अपन इसको सोर्स कंसीडर करें। ठीक है, तो आप सबको इतनी नॉलेज तो होगी कि ये अपना क्या होता है, रेजिस्टर। ठीक है, तो इसको अपन रेजिस्टर बोल रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ एक रेजिस्टेंस की। आप सबको एक बेसिक नॉलेज देना चाहूँ तो ये देखो, मैंने एक स्लोप बनाया। ठीक है, एक स्लोप बनाया, यहाँ पे मैंने क्या करा, कील गाड़ दिए, बहुत मोटे कील गाड़ दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉल फेंकी अब यहाँ से ऊपर से। ठीक है, बॉल अगर मैं फेंकूँगा तो मेरे को क्या दिखेगा कि ये बॉल जो है नीचे नहीं आ पा रही है, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, कांटे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपन क्या करते हैं कि जब अपना करंट फ्लो होता है, बॉल को अपन एक करंट कंसीडर कर लें, और मैंने जो एक कांटे लगाए इनको मैं रेजिस्टेंस कंसीडर कर लूँ, और ये जो मैंने स्लोप को मैं क्या कंसीडर कर लूँ, एक वायर कंसीडर कर लूँ, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अगर कंडक्टिंग वायर में कंसीडर कर लूँ, तो जैसे बॉल को कील जो हैं, अपने नेल्स जो हैं, वो अपोज कर रहे हैं बॉल के मूवमेंट को ऊपर से नीचे आने के लिए, उसी तरह करंट को रेजिस्टर अपोज करता है उसको फ्लो होने के लिए थ्रू द वायर। ठीक है, सपोज आप देखो, मैं अगर एक रेजिस्टर लगा दिया और मैंने यहाँ पे ए पॉइंट बोला इसे, और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट बोला, और मैंने यहाँ से करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि सपोज़ मैं आई वन करंट फ्लो यहाँ से करवा रहा हूँ, और इसका मतलब है आर वन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, आपने को पता है जो वोल्टेज, जो करंट होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, IR1। ठीक है, I1R11। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैं बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं, सिंपल एक करंट लॉ की कंडीशन यूज़ कर ली। अब देखो, मैंने यहाँ से करंट फ्लो कराया, तो VA को क्या मान रहा हूँ मैं, हायर पोटेंशियल पे मान रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि अगर करंट जा रहा है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज लॉ होगा, लॉस होगा, क्योंकि ये अपना जो रेजिस्टर है वो हमेशा किसकी तरह काम कर रहा है, एक लोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो लोड की तरह अगर एक काम कर रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा इसकी जगह, -I1R1। ठीक है, अब VV पे पहुँचे तो मैं क्या लिखूँगा, IVV। ठीक है, तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा, तो VA-VV IVR1। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बैटरी की। अपने को रजिस्टर का पता चल गया कि जो रजिस्टर है हमेशा किस तरह वर्क करेगा, एक लोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब बैटरी की दो कंडीशन हो सकती है। हमें पता है कि बैटरी हमेशा, जब अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते तो अपन कंसीडर करते थे कि बैटरी क्या होती है, हमेशा एक सोर्स की तरह बिहेव करती है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। मैं लॉजिक देता हूँ इसका। ठीक है, क्या करते हैं अपन, एक मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया ए और बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई ऐसे, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक दूसरी बैटरी लगा दी, इसको मैं बैटरी बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बी के नाम से कंसीडर कर लेता हूँ, और इसको एम के नाम से कंसीडर कर लेता हूँ, इसको आर के नाम से कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, करंट अपना सपोज कर सकते हैं अपन ए से बी फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो,
आप क्या करते हैं, अपने को ये पता होता है कि बैटरी का ये वाला जो पोटेंशियल होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ से चार्ज जाएगा और यहाँ से आएगा। अपन एक आइडियल बैटरी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, एक आइडियल बैटरी जो होती है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो अपने को पता है ये हायर पोटेंशियल पे होगा ही होगा, ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो मैं VA को क्या लिखूँगा, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से क्या करनी चाहिए कि इस बैटरी के हिसाब से किधर करंट फ्लो होना चाहिए, इधर की साइड, लेकिन एक्चुअली में हो किधर रहा है, इधर की साइड। तो ये बैटरी क्या कर रही है, अपोज कर रही है पूरे करंट के फ्लो को, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, माइनस VM, ठीक है, इसका बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। अब अपने पास रेजिस्टेंस पता है कि रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट को अपोज करता है, तो ठीक है, मैंने इसको भी अपोजिंग में बना दिया, -VR लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बैटरी है, अपना जो सर्किट में करंट हो रहा है, सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है, इसको मैं सर्किट भी नाम दे देता हूँ एक बार को, और इसको मैं नाम दे देता हूँ VM, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रजिस्टर, ठीक है। और ये जो बैटरी है अपनी, ये V वाली, ये किधर फ्लो करवाना चाह रही है, सर्किट वाली डायरेक्शन में, सर्किट जिधर फ्लो हो रहा है, जो अपना क्या बोल सकते हैं कि अपन जो सर्किट को डायरेक्शन दे रहे हैं करंट के फ्लो की, उसी तरफ से अपना V जो बैटरी है वो भी अपना करंट फ्लो करवाना चाह रही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, V, ठीक है, और अपन क्या लिखेंगे, VV, ठीक है। अब VR मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसको मैं क्या लिखूँगा, सपोज I करंट फ्लो हो रहा है I1, तो I1R, ठीक है। तो अपने पास जो एक्चुअल जो मतलब इक्वेशन आई, -VM -I1R + VV = VV, ठीक है, समझ आ गई होगी, आई थिंक सो। हमेशा ये याद रखना है कि कौन सा कंपोनेंट करंट सर्किट की डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है करंट, कौन सा जो कंपोनेंट है वो अपने लाइक अपोज कर रहा है सर्किट को, ठीक है। अब मैं चालू करने वाला हूँ, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है सर्किट्स की, अपने को किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना है। तो अब मैं करंट लॉ की बात करता हूँ, तो करंट लॉ क्या होता है, एक्चुअली करंट लॉ क्या होता है, अपने पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो मैं दूसरे पेज पे कंसिडर करता हूँ ये करंट लॉ। सो अपना जो करंट लॉ है वो किस पे बेस होता है, सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ बताई कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस हो रहा है, ठीक है। अब ये किस पे काम करता है, नोड पे काम करता है। अब आपको नोड में समझाता हूँ कि क्या चीज़ होती है नोड। देखो जैसे सपोज एक नॉट की तरह ले सकते हो कि जहाँ पे एक सर्किट के अंदर वायर्स आके ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नोड बोलूँगा, ठीक है। अब नोड पे क्या होता है कि देखो, तीन अगर वायर या चार वायर अपने जॉइंट हैं, तो कहीं ना कहीं से करंट आएगा, कहीं से करंट जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि चारों तरफ से करंट आ रहा है, नोड बना दिया अपन, ऐसा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपना जो करंट लो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, लाइक टोटल इनपुट करंट। जैसे सपोज कि एक नोड है, ये एक नोड है ना, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, I2 + I1 = I3। दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब मैं एक सर्किट से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपन किस हिसाब से चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, वो देख लेना, ठीक है। सो मेरे पास, मैंने एक सर्किट वापस ड्रॉन करके रख लिया था, जिससे कि लाइक अपना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सबके लिए टाइम क्रूशल होता है। तो देखो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से चालू होती है, किरचॉफ करंट लॉ की, और मेरा सबसे फेवरेट है कि मैं पूरी सर्किट थ्योरी करंट लॉ से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत कम यूज़ होता है वोल्टेज लॉ, तो ये मेरा सबसे फेवरेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, देखो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, किसी भी एक पॉइंट को जो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक वो आपको सवाल करते करते समझ आए कि कहाँ पे जीरो आपको कंसीडर करना है, तो अपने को एक पॉइंट पे क्या करना होता है, जीरो कंसीडर करना है। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जीरो कंसीडर कर लिया, इसका मतलब है जीरो क्या, जीरो वोल्ट मैंने कंसीडर कर लिया, कि कहीं ना कहीं से अपने को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, लाइक ठीक है। अब देखो
ऊपर जा रहा हूँ तो बैटरी क्या है, अपोजिट लगी हुई है, तो बैटरी को अपोजिट लगी हुई है तो मैं इसको नेगेटिव लूँगा, तो माइनस जीरो। प्लस में जा रहा होता तो यहाँ पे अगर बैटरी उल्टी लगी हुई तो मैं यहाँ पे टू वोल्टेज लिखूंगा, लेकिन अगर बैटरी उल्टी लगी हुई है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का टू वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो है लेकिन बैटरी सीधी लगी हुई है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, टेन वोल्ट। ठीक है ना, और यहाँ पे बैटरी सीधी लगी हुई है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस का टू वोल्ट, प्लस का टू वोल्ट। ठीक है, अब आपके मन में एक बात आएगी कि देख आपने जीरो से टेन की तरफ बैटरी अगर आप थी तो आप पोटेंशियल ऐड कर दिया, लेकिन आप अगर आप अपना यहाँ पे टू ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है तो रेजिस्टर वाले केस में क्या करोगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको नोड पे x मान लिया, कहीं ना कहीं पे तो मेरे को मानना पड़ेगा क्योंकि एक ना एक वेरिएबल तो चाहिए, तभी तो इक्वेशन जाके जनरेट होगी। अब प्लेन वायर है तो मैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ पे जीरो कंसीडर, यहाँ पे जीरो अगर मैं कंसीडर करता तो प्लेन वायर है, मैं सीधा चल सकता हूँ, यहाँ पे भी सीधा चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे रुकना पड़ा और मैंने बैटरी का पोटेंशियल ऐड कर दिया, ऐसे बैटरी का पोटेंशियल ऐड कर दिया, बैटरी उल्टी थी, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। अब प्लेन वायर है तो पर रजिस्टर आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, और यहाँ पे प्लेन वायर है तो मैं इसको वापस क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे वोल्टेज हो गए, मैंने प्री डिफाइंड ऐसे मान लिए कि हाँ शायद ये होंगे। ठीक है, अब देखो जहाँ पे मैंने एक्स माना है, ठीक है, मैंने सपोज एक ये वाली नोड मैं कंसीडर करता हूँ पहले, बाकी भूल के जाओ, है ना, तो ये मैं हमेशा हायर पोटेंशियल पे मानूंगा एक्स, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब देखो मैं इक्वेशन बनाना चालू करता हूँ। अब अपने को बेसिक इक्वेशन पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, वी अपन यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है, अपॉन आर। तो मेरे को क्या करना है, करंट लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, V अपने पास इस वाली इक्वेशन में कितना है, x प्लस टू अपॉन इसका रेजिस्टेंस टू। ठीक है, इधर चल लिया अपन, अब इधर चलते हैं, प्लस x माइनस जीरो अपॉन टू, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस टेन, क्योंकि देखो यहाँ से आया x माइनस टेन और रेजिस्टेंस बीच में आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपॉन टू। ऐसे ही सिमिलरली अब यहाँ पे नोडल ये खत्म हो गया, अब मेरे को दूसरे नोडल पे जाना है, तो x प्लस का x, अब वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तो माइनस टू अपॉन टू। अब मेरे को पता है तो टोटल करंट तो कहीं से आया ही नहीं, तो मैंने क्या करा, जीरो के इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, क्या आई अपने पास, x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टेन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और x अपने पास कितना आ गया, टेन बाय थ्री। तो ये देखो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल अपना आया x इज इक्वल्स टू टेन बाई थ्री सेम। अब देखो अगर मेरे से कोई पूछे मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर दूं, a b c d e f, ठीक है, अब मेरे से कोई पूछे a और f के बीच का पोटेंशियल क्या है, तो v a और f के बीच का, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस ज़ीरो। तो देखो x माइनस ज़ीरो मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, तो अपन क्या लिखेंगे, ए और बी का अगर मेरे को पोटेंशियल लिखने को बोले कोई तो मैं क्या लिखूंगा, ए और बी के पोटेंशियल को मैं ज़ीरो लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। अब मेरे से बी और सी के बीच का पोटेंशियल कोई पूछे है तो मैं क्या लिखूंगा, वी ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स टेन बाई थ्री माइनस ऑफ माइनस टू वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू टेन बाई थ्री प्लस टू एंड 16 बाय 3 वोल्ट। ऐसे ही अपन सारे पॉइंट्स का कंसीडर करके और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी ये थी क्रच ऑफ करंट लॉ की बात। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं क्रच ऑफ वोल्टेज लॉ की बात, उसे देखना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।